अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। टीटीपी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पड़ोसी मुल्क से तवक्को है कि वो दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की सलाहियत दिखाएंगे। अफगानिस्तान में कल अदम टीटीपी समेत दीगर ग्रुप मजबूत हो रहे हैं। पीटीआई का पंजाब असम्बली की तहलील और इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन रोकने पर अदालत जाने का ऐलान। असद उमर का कहना था कि हुकूमत ने अब खुल्लम खुल्ला आइन और कानून को पामाल करना शुरू कर दिया। पीटीआई का एहतजाज, लाहौर में गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी में इजाफा। फवाद चौधरी ने पंजाब असम्बली में पीटीआई के नंबर पूरे ना होने की तस्दीक कर दी। फवाद चौधरी का कहना था कि पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ साथ तहलील की जाएंगी। वफाकी हुकूमत ने पंजाब में गवर्नर राज के लिए मुशावरात शुरू कर दी। सिंध भर में गैर कानूनी मुकीम तारकीने वतन को वापस भेजने का फैसला। अगले 15 दिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि टीटीपी को अगर अफगानिस्तान से मदद या सहूलत फराहम की गई तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए बुरा होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीटीपी को अगर अफगानिस्तान से मदद या सहूलत फराहम की गई तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए बुरा होगा। वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि अमरीका के साथ इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर मामलों पर बात हुई। अफगानिस्तान में तालिबान अपने वादे पूरे नहीं कर रहे। अफगानिस्तान में कलदम टीटीपी समेत दीगर गिरोह मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान से बात अब भी की जा सकती है। हम ये वाज़े कर चुके हैं कि टीटीपी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है और हम अपनी सरजमीन पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि हम अपने पड़ोसी मुल्क से तवक्को करते हैं कि वो दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई की नीयत और सलाहियत दिखाएंगे, क्योंकि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान से बात जरूर करना चाहिए, लेकिन बात करने का ये मतलब नहीं कि हम उनकी पॉलिसी की तौसीक करते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है कि अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम पर पाबंदी नाकाबिले कबूल है। उन्होंने मुतालबा किया कि अफगान हुकूमत लड़कियों की तालीम से मुतालिक पाबंदी पर नज़रसानी करे। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली की तहलील और इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन को रोकने के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि हुक्मरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से भाग रहे हैं। उन्हें अचानक कैसे ख्याल आ गया कि वजीर आला पंजाब अपना एतमाद खो बैठे हैं।
तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली की तहलील और इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन को रोकने के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा, हुकूमत ने अब खुल्लम खुल्ला आइन और कानून को पामाल करना शुरू कर दिया। पंजाब असम्बली की तहलील और इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन रोकना दोनों बदनीयती पर मबनी है, दोनों मामलों के लिए अदालत से रुजू करेंगे। असद उमर का कहना था कि गवर्नर पंजाब का खत देखकर समझ नहीं आती बंदा हंसे या रोए, मौजूदा हुकूमत जमहूरियत के बुनियादी उसूल पामाल करने पर तुली है, ये पाकिस्तान के आवाम और इमरान खान से खौफजदा हैं। उनका कहना था कि मामलात अदलिया की तरफ जा रहे हैं, उनके तमाम हरबे नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जाली ऑडियो चलानी शुरू कर दी, इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की। असद उमर ने कहा कि परवेज इलाही और इमरान खान में कोई दूरियां नहीं है। पहले कहते थे कि इमरान खान असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे, फिर कहते थे कि परवेज इलाही असेंबली तहलील नहीं करेंगे। अब ये गैर कानूनी इकदाम करके पंजाब में कयास आरई पैदा कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को माइनस करने के लिए कत्ल करने की कोशिश भी की, जाली ऑडियो और वीडियो चलाना शुरू कर दिया। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली में नंबर पूरे ना होने की तस्दीक की गई है, जबकि वफाकी हुकूमत ने पंजाब में गवर्नर राज के लिए मुशावरात शुरू कर दी। मजीद तफसील जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब असम्बली में नंबर पूरे ना होने की तस्दीक की गई है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के मुताबिक पीटीआई के 4-5 एमपीज उमरा करने गए हैं। एक एमपी बेटे की कीमोथेरेपी के लिए गए हुए हैं। इजलास के लिए इतना वक्त तो देना चाहिए कि एमपीज वापस आ जाएं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम होगी, जुम्मे को प्रोसेस शुरू होगा और एक हफ्ते में मुकम्मल होगा। उनका कहना है कि परवेज इलाही ही वजीर आला पंजाब रहेंगे, गवर्नर राज भी नहीं लगेगा, पंजाब और केपीके की असेंबलियां साथ तहलील की जाएंगी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने पंजाब में गवर्नर राज के लिए मशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने पार्टी क़यादत को सूबे में गवर्नर राज के लिए आइनी और कानूनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया। लीगल टीम ने कहा कि गवर्नर की जानिब से वजीर आला को डी नोटिफाई किए जाने के बाद अगर हुकुम अदूली हुई तो गवर्नर राज की राह हमवार हो जाएगी। वाज़े रहे कि जमान पार्क में बुकला के वाफ से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जब तक रोल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमेरिका की गुलामी से निकलने के लिए मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बहाल होना और तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहते हुए काम करना होगा। गवर्नर पंजाब का इकदाम गैर कानूनी है, तमाम इदारों को अपनी हद में रहते हुए काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध भर में गैर कानूनी तौर पर आने वाले गैर मुल्कियों को वापस करने का फैसला किया है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध भर में गैर कानूनी तौर आने वाले गैर मुल्कियों को वापस करने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर, आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज जतोई, एडिशनल आईजी सीटीडी, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों के अफसरान ने शिरकत की। वजीर आला सिंध ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी, जबकि सिंध पुलिस और दीगर इंटेलिजेंस इदारों में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का मैकेनिज्म बनाया गया है। वजीर आला ने कहा कि तमाम इंटेलिजेंस के इदारे रोजाना की बुनियाद पर एक दूसरे से रबते में रहे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध भर में गैर कानूनी तौर आने वाले गैर मुल्कियों को वापस करने का फैसला करते हुए सिंध के शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर निगरानी बढ़ाने की हिदायत जारी की है। वजीर आला ने स्ट्रीट क्राइम पर भी पुलिस को अहम हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पुलिस और रेंजर्स स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने डीजी रेंजर्स को पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी हिदायत दी, जबकि स्ट्रीट क्राइम में प्रोसिक्यूशन को भी मजीद बेहतर करने का फैसला किया। वजीर आला सिंध ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें मुल्क में दोबारा अमन व अमान खराब करना चाहती हैं। जहां क्रिमिनल्स ज्यादा मुतहरिक हैं, वहां पुलिस और रेंजर्स की तैनाती की जाए। हम अपने मुल्क, सूबे और शहरों में दहशतगर्दों को दोबारा उठने नहीं देंगे। वजीर आला सिंध ने अगले 15 दिन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन करने का फैसला किया है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर होने वाले दहशतगर्दों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन का डेटा पुलिस और मीडिया से शेयर करने का फैसला किया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।